हेलो गाइज, आज मैं फिर से वॉइस दे रही हूँ और सुदेश कटिंग कर रही है। और आज सुदेश कटिंग कर रही है बेल बॉटम प्लाजो की। तो ये इसने 2.25 मीटर कपड़ा है और ये उल्टी साइड इसने फोल्ड कर लिया है। सीधा भाग अंदर है, ये देखो ये उल्टा भाग है और ये सीधा भाग है। ये देखो कपड़े में ना वो थोड़ा सा कान आ जाती है तिरछा, तो उसको पहले कट कर लेना है। अभी सुदेश इसको फोल्ड कर रही है, तो सुदेश ये कितना फोल्ड करना है ये बता दो। ये 17 या 18। अच्छा, 17 या 18, मतलब नीचे का जितना हमें खुला भाग रखना है मोरी का, हाँ, उससे कितना ज्यादा रखना है। ये 2 इंच ज्यादा लूंगी मैं, अच्छा, तो सुदेश बोल रही दोनों है। साइड सिलाई में आएगा। अच्छा, तो 2 इंच ये ज़्यादा लेगी, ये शायद 15 की रखेगी, तो 18 लिया है सुदेश ने। 17 ही लूंगी मैं, अच्छा, 17 लेगी, लंबी मत कर। ये देखो 17 लिया है सुदेश ने। ये देखो ये प्लाजो की लंबाई ले रही है और लंबाई ये 37 का तैयार है और 4 इंच एक्स्ट्रा सुदेश इसमें ले रही है, क्योंकि 2 इंच शायद नीचे फोल्ड होगा और 2 इंच ऊपर ऊपर जो नेफे में। ऊपर नेफे में जो जहाँ रबड़ डालेगी उधर। ये अभी ऊपर से मेजरमेंट ले ले रखी है साढ़े और चौदह इंच ये हिप के अकॉर्डिंग लेना होता है। जितनी हिप है उसे 2 इंच ज्यादा ही लेनी है ये हमने। अच्छा, तो जितना हिप होता है उसमें 2 इंच ऐड कर लेना। और यहाँ से आसन 15 इंच का, ये देखो 15 इंच का आसन ले लिया है। और ये तो आसन ढाई जहाँ 15 लिया है उससे 2.5 इंच आगे को बढ़ा दिया है। आगे बढ़ा दिया। अब ये देखो ये गोलाई कर रही है सुदेश, और ये 5 इंच ऊपर लिया है, 5 इंच से ये गोलाई शुरू कर देगी और जो 2.5 इंच आगे बढ़ाया है उस पे मिला देना है। 10 इंच नीचे लेके, आसन से 10 इंच नीचे लेके, और ये 17 है इसका हाफ कर लेना है। अच्छा, 8.5। हाँ, तो 17 का हाफ किया, 8.5 हो गया। हाँ, और यहाँ से हमने 13 लेना है, ओके, तो 6.5 पे ये निशान लगाया था बीच का, इसको 6.5 रख के। अच्छा, और 6.5 इस साइड, 6.5 इस साइड, तो 13 इंच बीच में लेना है, तो निशान जो बीच का लगाया है उससे 6.5 इंच उधर ले दिया, 6.5 इंच इधर ले दिया, तो ये 13 हो गया। हाँ, हमारी हिप है तो ये है यहाँ तक 17। तो ये हिप यहाँ 17 से है, ये जो 13 इंच पर लगाया था निशान ये मिला देना। तो ये देखो स्केल की सहायता से जो 13 इंच का निशान जहाँ पे लगाया था हिप उसको से ये और मिला। नीचे तक यहाँ मिला देना है 13 इंच और ये का, जो नीचे मोरी है और जो नीचे मोरी है बता रही है सुदेश, इसे 2 इंच ऊपर लेके, अच्छा, और इसको यहाँ से अच्छा जो ये 13 का निशान लगाया है हमने इससे यहाँ तक और मिला यहाँ देना तक मिला देना है। ये देखो ऐसे, ये यहाँ देखिए से 2 इंच ऊपर, ये ऐसे मिल गया ऐसे ही। ये देखो सेम निशान ये दूसरी साइड भी लगाना है, हिप से जहाँ 13 लगाया था वहां मिला देना है, जो 2.5 इंच आगे निकाला था हमने उससे और 13 पे, और फिर 13 से फिर वैसे ही नीचे से 2 ऊपर लेके उस पे मिला देना है। ये देखिए ये देखो ये हो गया है, और ये ये बीच से इधर हो गया। कम है, यहाँ से ज्यादा है, बीच से चौड़ाई कम है, हाँ, यहाँ तो से हमारी बेल बॉटम में ऐसे ही होता चौड़ाई है, ज्यादा नीचे है। बेल से बॉटम चौड़ा यहाँ होता से कम होती है, यहाँ से चौड़ी होती है। है। हाँ, अब इसको काट देंगी। ये देखो, और ये यहाँ से आसन को भी अलग करेंगी। देखो ये उधर आसन है और इधर ये जो पीछे वाला साइड है इसको भी कट कर दिया और इधर आसन को भी कट कर रही है। ये देखो ये पूरा यहाँ तक कट करेगी। तो ये देखो यार, ये 2 मिनट में प्लाजो कट के बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखो बेल बॉटम प्लाजो।
ओके बाय बाय, थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं, कुछ नया लेके आएंगी सुदेश आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सिलते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।